नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रीता का कार एक्सीडेंट करने के बाद में आखिरकार ये लग रहा है इस समय निधि को कि तुम्हें किसी ने पहचाना नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीका से भाप लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब लगातार एक से बढ़कर एक एक नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर सृष्टि ने इस समय देख लिया है कि प्रीता का एक्सीडेंट निधि ने ही कराया है, क्योंकि निधि वहाँ पर मौजूद थी और निधि खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उसका एक नहीं बल्कि उसके कई लक्ष्य हैं यहाँ पर, प्रीता को और सिर्फ प्रीता को मारना। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि कितने अलग अलग ट्विस्ट भी देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी एक और भी नया जज्बात रचती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों का मानना यह है कि जो हो रहा है वो बेहद ज़्यादा अलग और बिल्कुल होता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है और इस चीज़ से कैसे बचा जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, क्योंकि लगातार जिस तरीका से करण और ऋषभ की फैमिली यानी लोत्रा परिवार इस समय इंतज़ार देख रहा है, और इंतज़ार भी किसी और का नहीं बल्कि इस समय प्रीता का इंतज़ार देख रहा था कि प्रीता के हाथों से ही कन्यादान हो सके काव्या का। जी हाँ, क्योंकि काव्या की शादी हो रही है और काव्या की शादी में ये कन्यादान होना बेहद ज़्यादा प्रीता के हाथ से ज़रूरी बन चुका है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक नहीं बल्कि इस समय कई कहानी दस्तक देंगी, जिसमें निधि की गिरफ्तारी भी ज़रूरी होनी है दोस्तों, क्योंकि निधि को लग रहा है कि हमें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, लेकिन दोस्तों उसे पकड़ेंगे भी और ऐसे पकड़ेंगे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा जो होगा उसके साथ में। अब दोस्तों, साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइज।